नमस्कार, आप देख रहे हैं crimehandlednews.com। हर खबर सच के साथ, आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों पर। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बारा सिरोही इलाके में एक मासूम के साथ दरिंदगी की घटना सामने आई है। आरोप है कि पड़ोसी ने 8 साल की मासूम को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया। इस मामले की जानकारी परिजनों को जैसे ही हुई तो उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मासूम को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजने के साथ ही पिता की तहरीर पर पास्को एक समेत दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मामले पर ADCP पश्चिमी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि यह बेहद गंभीर मामला है। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 3 टीमें लगातार प्रयास कर रही है। संवाददाता सरवर आलम की खास रिपोर्ट। देखिए, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है थाना कल्याणपुर क्षेत्र में। बीती रात की घटना है जिसमें एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की बात प्रकाश में आई। इस पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची है। इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया, पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके हमारी 3 टीमें इसकी गिरफ्तारी के लिए लगी हुई हैं। आरोपी को बहुत शीघ्र हम गिरफ्तार कर लेंगे और इस पर कड़ी से कड़ी सजा उसे दिलाएंगे। इसमें 376 के साथ हम लोगों ने पॉक्सो एक्ट भी लगाया है, उसके अंतर्गत ही कार्रवाई। अभी आरोपी का नाम डिस्क्लोज नहीं किया।